अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल एंड अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे और सबके रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो मैं जो हूँ वो इस वक्त आई हुई थी बाहर अबू धाबी सिटी में और बहुत ही शदीद गर्मी और शदीद धूप में हम लोगों ने है घर के कुछ काम करने थे इम्पॉर्टेंट, तो हम इसलिए बाहर आए हुए थे। और सिटी में जो है वो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ है, इसलिए मैंने कहा कि आप सबको भी अपने साथ साथ लेके चलते हैं, जिसमें अब आप देखेंगे सी और उसके बाद आपको कॉर्निश एरिया नज़र आएगा, पैलेस नज़र आएगा और डिफरेंट डिफरेंट जगहें जो हैं आपको इस वीडियो में नज़र आएंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट किया करें, शेयर किया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक किया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और आप फर्दर अगर कोई रेसिपीज़ जानना चाहते हैं या आप कोई जगहें देखना चाहते हैं या जिस तरह का आप कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। और अब हम जो है वो घर आ गए थे और ये हो रहा था असर के बाद का टाइम और इफ्तार प्रिपरेशंस। असर के बाद तो फौरन ही इफ्तारी की जो है वो प्रिपरेशंस शुरू हो जाती हैं। तो आज हमारे किचन में बन रहा था चिकन चाउमीन, मतलब स्पेगेटीज, और उसके लिए मैंने जो है वो दो चिकन बोनलेस पीसेस लिए थे और उसको मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी, जिस मर्ज़ी शेप में कट करना चाहे। मैं थोड़े बड़े बड़े कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं, और क्योंकि वेजिटेबल्स लंबी लंबी होती हैं तो चिकन भी उसके साथ का ही जो है वो अच्छा लगता है। और चिकन को जो है हम क्यूब्स में जो है वो कट कर लेंगे। मैंने जो है वो स्पेगेटीज़ का हाफ़ पैकेट बनाया था, फुल नहीं, क्योंकि और भी इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है रमज़ान में चीज़ों की, तो फिर जो है वो अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना लो तो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो वेस्ट करने से अच्छा ये था कि आप बनाएं थोड़ी लो। तो चिकन जो है वो मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, और क्यूब्स में कट करने के बाद जो थोड़े से ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस मुझे लग रहे थे उनको मैंने थोड़ा सा और छोटा कर लिया था। और उसके बाद मैंने अपना ले लिया है पैन, उसमें मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। मैंने बहुत थोड़ा कुकिंग ऑयल डाला है आज, और हार्डली 2 to 3 टेबल स्पून, वरना अक्सर मेरे से कुकिंग ऑयल ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपने चिकन के क्यूब्स और इसको कर लेंगे अच्छा सा फ्राई। और बहुत ज़्यादा भी डार्क गोल्डन कलर नहीं करेंगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भी डार्क हो जाता है तो बोनलेस जो है वो सख्त हो जाता है और खाया नहीं जाता है इतने आराम से। तो हम जो है वो इसका लाइट लाइट सा कलर रखेंगे। और इसमें जो है वो हमने डालना है लहसुन का पेस्ट, उससे जो है लहसुन का पेस्ट तो जैसे ही खाने में डलता है उससे इतनी अच्छी सी खुशबू आ जाती है ना, और एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। और उसके बाद जितनी देर में हमारा चिकन हो रहा था फ्राई, उसके हम जो है वो वेजिटेबल्स कट कर लेंगे स्पेगेटीज़ की। उसके लिए मैंने लिया है एक कैरेट और इसका छिलका उतार लेंगे, और छिलका उतारने के बाद हम इसको मैं बहुत बारीक बारीक सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं काटती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गल जाती हैं और बिल्कुल ही ढीली ढीली सी हो जाती हैं, तो मुझे जो है वो स्पेगेटीज़ में खरी खरी और क्रंची क्रंची सी वेजिटेबल्स जो है वो अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने जो है वो इनको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं लेकिन नॉर्मल साइज़ का लंबा लंबा जो है वो मैंने काट लिया है। और इसके बाद जो है वो मैं इनको बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करूँगी और बहुत ज़्यादा भी पकाऊँगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही जो है वो जब गल जाती हैं और बिल्कुल ही नूडल्स की तरह बैठ जाती है हर चीज़, वो बिल्कुल नूडल्स में अच्छी नहीं लगती है। अक्सर जब हम होटल्स वगैरह में भी चाइनीज़ खाते हैं तो वो भी हमेशा क्रंची क्रंची सा और अच्छा सा फ्लेवर जो है वो देता है। और यहाँ पर जो है मैं बहुत तेज़ी 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 से अपने हाथ चला रही हूँ, सब ये ना समझे कि मैं बहुत ही कोई कटिंग एक्सपर्ट हूँ जो कि मुझ बहुत जल्दी जल्दी कटिंग करती जा रही हूँ। ये वीडियो थोड़ी फास्ट हो रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और गाजर के बाद हमने काट ली है शिमला मिर्च, वो भी इसी तरह लंबी लंबी और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, क्योंकि शिमला मिर्च तो एक बहुत जल्दी जो है वो सौगी हो जाती है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी मोटी मोटी काटी है। और उसके बाद जो है हम काट लेंगे बंद गोभी, और बंद गोभी तो एग्जैक्ट शेप में आ नहीं सकती तो वो तो जिस मर्ज़ी शेप में हो वो एक साइज़ की हो जाती है। तो हमने सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो काट ली हैं। उसके बाद चिकन जो है वो भी हमारा गोल्डन
तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन पक गया है और बहुत ज़्यादा गोल्डन मैं ख़ुद भी नहीं करती क्योंकि चिकन जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है इसमें। अब मैंने डाला है लहसुन पेस्ट और लहसुन पेस्ट डालने के बाद इसको मैं अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी ताकि लहसुन का जो टेस्ट है और उसकी स्मेल है वो चिकन में जो है वो अच्छी तरह चली जाए और थोड़ा सा पक जाए। और हमने जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी उसको नहीं पकाना क्योंकि फिर लहसुन जो है वो आपका साथ लगना शुरू हो जाता है और एक जलने की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो चिकन को हमने फ्राई करना था। और उसके बाद अब मैं सबसे पहले डालूंगी गाजर क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, तो बस उसको हम हल्का सा जो है वो सौते करेंगे, हल्का सा उसको फ्राई करेंगे। और गाजर का कलर कितना आर्टिफिशियल सा होता है, यहाँ पे दूसरी गाजर तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है ना, बस यही वाली गाजर मिलती है और इसका कलर इतना आर्टिफिशियल होता है, जिस भी चीज़ में आप डालो तो फ़ौरन से उस पर रंग चढ़ जाता है। चिकन भी वाइट था और बिल्कुल अब ऑरेंज ऑरेंज सा हो गया है। और उसके बाद तो हल्का सा मैंने गाजर को सौते किया है और उसके बाद जो है मैंने उसमें डाल दिया है कैप्सिकम और बंद गोभी और मिक्स कर लेंगे हम इसको बहुत अच्छी तरह से। वेजिटेबल्स का कलर वैसे ही इतना अच्छा सा लग रहा होता है ना, तो बंदे का दिल करता है बंदा ऐसे ही खा ले। जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो इस तरह भी खा सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ईजी होता है खाना जिनको वैसे जो है दूसरी तरह से वेजिटेबल्स नहीं खा सकते। तो ओलिव ऑयल में तो आप इजीली हल्का सा कुक करके खा सकते हो, चिकन में भी प्रोटीन्स होते हैं। और उसके बाद मेरे इंग्रेडिएंट्स चाहे जा रहे हैं तो मैंने इसमें डाली है हॉट सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप। टोमेटो केचप जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि नूडल्स में जो है वो टोमेटो केचप से अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून सॉल्ट, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ मतलब अपने टेस्ट के मुताबिक क्योंकि हमें थोड़े से ज़्यादा मसालेदार चीज़ें पसंद हैं। और उसके बाद अब जो है वो मैं इसमें डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी हर किसी की अपनी चॉइस है वो डाल सकते हैं कि नहीं, किसी लोगों को जो है वो मिर्चें ज़्यादा लगती हैं और स्पाइसी खाना इतना पसंद नहीं होता तो वो तो बिल्कुल भी ये मत डालें। जिनको अच्छा लगता है स्पाइसी और चटपटा सा तो वो ये ज़रूर डाल सकते हैं, इससे जो है वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और बस अब हम जो है वो इसको थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी से सौते कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और मिक्सचर जो है वो रेडी है। उसके बाद मैंने नूडल्स जो हैं वो बॉईल करके रख लिए थे, उनको ठंडे पानी से जो है वो पानी भी डाल लिया था, उसके ऊपर हल्की सी ऑयल भी जो है वो डाल लिया था। उससे ये होता है कि नूडल्स जो हैं वो अलग अलग रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिपकते नहीं हैं। तो उसके बाद अब जो है वो मैंने इसको मिक्सचर में है वो मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। हम नूडल्स को और इसके मिक्सचर को जो है वो मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके जो है वो रख देंगे और उसमें जो है वो सारा टेस्ट मिक्स हो जाएगा। और फिर हमारे नूडल्स रेडी हैं। और अब जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है आज की चिकन चीज़ डोनट्स। तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं वो मैंने सारे निकाल लिए हैं, ब्रेड क्रम्स, हॉट सॉस, सोया सॉस, उसके पास ब्लैक पेपर है और उसके बाद चिकन बोनलेस के पीसेस हैं हमारे पास। और उसके बाद हम लेंगे बॉइल्ड पोटैटोस और ब्रेड का स्लाइस। तो इसकी रेसिपी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। और चिकन जो को जो है हमने चॉप करना है, लेकिन चॉपर में डालने से पहले भी मैं इसके जो है वो थोड़े से पीसेस छोटे कर रही थी और क्योंकि मेरे जो चॉपर का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है। अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने 2 बोनलेस पीसेस लिए थे नॉर्मल साइज़ के, नॉर्मल भी नहीं स्मॉल साइज़ के, उसमें जो है वो मैंने उनके छोटे क्यूब्स करके चॉपर में डाल लिया है। और सारा बाकी मिक्सचर डालने से पहले मैं इसको चॉप कर लूँगी चिकन को, ताकि थोड़ा सा जो है ना, एक तो ये कि चॉपर में स्पेस बन जाए और दूसरा ये कि चिकन जो है वो अच्छे से जो है वो उसका कीमा बन जाए बिल्कुल, क्योंकि बाकी चीज़ें तो जल्दी जो है वो क्रश हो जाती हैं लेकिन चिकन अगर थोड़ा सा भी मोटा मोटा रह जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था चिकन को। और उसके बाद अब हम इसको खोलेंगे और इसमें हम डालेंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स
جو کہ ہیں ایک بریڈ کا سلائس، اس کو جو ہے ہم وہ چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال دیں گے، کنارے کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اور کنارے کے بغیر بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ میں نے جو ہے وہ پورا سلائس ڈال دیا ہے کناروں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں بوائل۔ ایک میں نے جو ہے وہ ابلا ہوا آلو لیا تھا، بوائل کر کے رکھ لیا تھا، اور ایک جو ہے وہ میں نے بوائل پوٹیٹو جو ہے وہ اس میں ڈال لیا ہے، اور اس کے بعد اب اس میں میں ڈالوں گی اپنے اسپائسیز، اور اسپائسیز میں جو ہے ہم ڈالیں گے ہاٹ ساس، اور یہ جو ہاٹ ساس ہے اس کا اور چلی ساس کا ٹیسٹ جو ہے وہ سیم ہوتا ہے، تو میں اس لیے الگ سے چلی ساس یوز نہیں کرتی۔ اور تھوڑا سا سویا ساس، اراؤنڈ 1 ٹی اسپون ہاٹ ساس اور 1 ٹی اسپون سویا ساس، اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی اسپون سالٹ، اور یہ میں نے اس میں سالٹ ڈال دیا ہے، اور میں نے تھوڑا سا زیادہ ایڈیشن بھی کر رہی ہوں، 2 ٹی اسپون نہیں، بس دو ہی کافی ہے۔ چلو 2 ٹی اسپون سالٹ چلا گیا، اور اس کے بعد اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر، کالی مرچ کا پاؤڈر۔ میں نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تین ڈال دی ہیں، میں نے ایک ہی ڈالا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی تھی کہ زیادہ نہ ہو جائے۔ اور اس میں ایز یوزول میرے فیوریٹ جو میں ہر کھانے میں ڈالتی ہوں، ریڈ چلی فلیکس، کٹی ہوئی لال مرچ۔ مجھے جو ہے نا اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے، میں پسی ہوئی لال مرچ سے زیادہ پریفر کرتی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنا، کیونکہ مجھے کھانے میں جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور بس ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اکٹھا اب چکن کے ساتھ چاپ کر لیں گے، اور تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھے سے ہم نے چاپ کرنا ہے، بالکل بھی کوئی بھی چیز ہم نے اس میں رہنے نہیں دینی ہے، کیونکہ اگر کچھ بھی رہ گیا، بریڈ کا تھوڑا سا حصہ یا پوٹیٹو تھوڑا سا کوئی رہ گیا ہارڈ یا اس طرح، تو بالکل بھی جو ہے وہ اچھے نہیں بنیں گے، اور ڈونٹس جو ہیں وہ بیچ میں سے کریک ہوں گے جب ہم ان کو فرائی کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ ہمارا مکسچر جو ہے وہ بالکل جو ہے نا آٹے کی طرح سا ہو جائے، بالکل آٹے کی طرح ہو جائے، تو تاکہ ہم جو ہے وہ آرام سے اس کی ڈونٹس جو ہیں اس کو شیپ دے سکیں۔ تو یہ جو ہے میں نے مکسچر کو اچھے طریقے سے چاپ کر رہی ہوں، اور ابھی جو ہے وہ صحیح چاپ نہیں ہوا تھا، لیکن چاپر تو ہے تھوڑا سا گرم ہو رہا تھا، تو پھر میں نے تھوڑا سا بریک لے کے دوبارہ اس کو چاپ کیا، اور یہ دیکھ لیں ہمارا جو ہے وہ میرینیشن جو ہے وہ ریڈی ہے۔ اچھا میں نے اس کو کیا کیا تھا کہ تھوڑا سا گیلا کر کے بال بنا کے رکھ دیا تھا، اور اس کو 10 سے 15 منٹس کے لیے فریج میں رکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کا میرینیٹ جو ہے وہ فریج میں پڑا ہوا ہے، اب ہم کیا کریں گے، اس کی کوٹنگ کے لیے لے لیں گے 2 انڈے۔ 2 انڈوں کو جو ہے ہم ایک پلیٹ میں جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، پھینٹ لیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک پلیٹ میں لیں گے بریڈ کرمز، اور بریڈ کرمز کو جو ہے وہ پلیٹ میں ڈال دیں گے۔ بریڈ کرمز جو ہیں وہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں، جو کہ بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ میرے جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، اس لیے میں نے باہر سے منگا لیے، اور بریڈ کرمز سے جو ہے نا کسی بھی چیز پہ آپ لگائیں تو وہ بہت ہی کرسپی کرسپی سی جو ہے اس کا ٹیکسچر آ جاتا ہے۔ اچھا اب جو ہے میں نے اپنا چکن مکسچر جو تھا وہ فریج سے نکال لیا ہے، اور اس میں میں کیا کروں گی، جو میرے پاس کرش چیز تھی اس کو جو ہے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ مکس کر دینا ہے اچھی طرح سے، اور کہ بالکل جو ہے وہ چیز اور چکن کا مکسچر جو ہے وہ مکس ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیونکہ چکن ہے بہت جو ہے وہ چپکتا ہے ہاتھ کے ساتھ ساتھ، وہ بھی بالکل جو ہے وہ چاپ ہوا ہوا، تو ہم اپنے ہاتھ پہ لگا لیں گے تھوڑا سا آئل تاکہ جو ہے وہ چپکے نا، اور اس کے بعد ہم اس کو ایک کباب کی طرح کا جو ہے وہ ٹیکسچر بنائیں گے۔ اور میرے پاس جو ہے وہ کٹر نہیں تھا، تو ایک ہوم ریمیڈی، میں نے میں جو کوکنگ آئل کا ڈھکن تھا اس کو میں نے اس کے بیچ میں مڈل پورشن میں رکھا اور پریس کر دیا اور سرکل نکال لیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو انڈے کی کوٹنگ دی اور ساتھ بریڈ کرمز کی کوٹنگ دی اور ریڈی کر لیا۔ اسی طرح جو ہے ہم اپنے باقی ڈونٹس ریڈی کر لیں گے۔ ایک مکسچر لیں گے، بہت زیادہ تھوڑا بھی نہیں لینا، تھوڑا سا زیادہ لینا ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے اس کو ایکول سا ڈونٹ بنانا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کوئی بھی راؤنڈ چیز لے کے بیچ میں رکھ کے بیچ والا حصہ نکال لیں گے، اور اس کو فنگر سے جو ہے وہ اچھی طرح شیپ کر دیں گے۔ پھر انڈے کی کوٹنگ کریں گے، بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے، اور ہمارے جو ڈونٹس ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کوکنگ آئل جو ہے وہ
गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल जो है वो देख सकते हैं आप कि गरम हो गया है काफ़ी। तो इसमें जो है अब मैंने डोनट्स डाल दिए हैं और इनको जो है हम डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि इनका टेक्सचर जो है वो काफ़ी थिक है, तो हम शेलो फ्राई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बस मैंने जो है वो सारे डोनट्स डाल दिए हैं और अब जो है ये जल्दी ही फ्राई हो जाएंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, लाइट सा कलर करेंगे, लाइट सा कलर देंगे, लाइट गोल्डन। जब आप डालेंगे तब थोड़ा सा फ्लेम हाई रखें, लेकिन उसके बाद जो है आप थोड़ा सा हल्का कर दें ताकि अंदर तक जो है वो चिकन जो है वो पक जाए अच्छी तरह और डोनट्स रेडी हो जाएं। और उसके बाद हम अच्छा, और फ़ौरन ही ऑयल में डालने के बाद चम्मच हिलाना शुरू नहीं कर देना, उसको एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए पकने देना है। जब वो हल्का सा पक जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए, फिर जो है हम उसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अंडा भी लगा हुआ है, ब्रेड क्रम्स भी हैं, और वैसे भी चिकन का टेक्स्चर जो है वो बहुत पतला पतला होता है। तो वो फ़ौरन अगर हम उसमें चम्मच या कोई भी अपना इस तरह का टूल मार देंगे तो वो एकदम से टूट जाएगा। और इसके बाद मेरी दोनों साइड्स चिकन डोनट्स की जो हैं वो ब्राउन हो गई थी, फ्राई हो गई थी, गोल्डन ब्राउन। तो बस मैंने जो है इनको प्लेट में निकाल लिया है और टिश्यू पेपर के ऊपर हम इनको रख लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। वैसे जो है अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो वो इतना ज़्यादा जो है आपके लिए अनहेल्दी नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली जो भी चीज़ डीप फ्राई होती है वो आपके लिए अनहेल्दी होती है। लेकिन रमज़ान है तो ये सब चलता है, कोई नहीं, रमज़ान में तो इन्हीं सब चीज़ों का जो है वो मज़ा आता है, फ्राइड चीज़ें, पकोड़े, समोसे और डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बंदा ट्राई करता है। तो ये हमारे डोनट्स जो हैं वो रेडी हो गए थे और उसके बाद स्पेगेटीज़ को भी जो है मैंने डिश आउट कर लिया था और अब मैंने रख दिया था सब कुछ अफ्तार टेबल पे, क्योंकि टाइम जो है वो एंड टाइम पे बिल्कुल थोड़ा रह जाता है जिसमें फ्राइंग होती है, क्योंकि करनी भी एंड टाइम पे होती है। तो हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं, आज हमारे अफ्तार टेबल पे थे नूडल्स, साथ चना चाट, दही भल्ले, चिकन डोनट्स, पकौड़े भी आ गए हैं, साथ खजूरें, और पानी में हमने बनाया था रूह अफ़ज़ा के साथ लेमन। और अब जो है वो इफ्तार का टाइम होने लगा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ गिव इट अ बिग 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 थम्स अप।